मधुआपुर प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। प्रखंड कार्यालय परिसर में बीडीओ राजेश कुमार, मुखिया राजेश शाह, पीओ सतीश कुमार, राकेश नायक समेत लोगों ने पौधारोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश दिया। बीडीओ राजेश कुमार ने कहा कि आज हमारा वायुमंडल दूषित हो रहा है, जिसके कारण सूर्य की रोशनी से कई प्रकार की दूषित किरण निकलती है और हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए पौधा जरूर लगाएं। वही अधिकारियों ने पर्यावरण बचाने समेत संरक्षण के दिशा के परिचर्चा किया गया। मौके पर छात्र छात्रा, अभिभावक, शिक्षक कर्मी समेत अन्य लोग भी उपस्थित थे। ललन सर इधर देखिए, अच्छा से खींचिए। ए पकड़िए 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 पकड़िए। ओ जय साहब, ए जय साहब, मिल्की में आप आइए, इधर आइए। ए इन और लीजिए कति वीडियो पड़े छे क्या? ए इसको नहीं चलिए माटी और दीजिए, बप का गड्ढा और करना, गड्ढा कनी और कर दियो। माटी कहां दो दी, गड्ढा कम हो रहा ले, पौधा लंबा है, हवा बहुत गिर जाते हैं। अरे आगे का कुछ मतलब नहीं, वीडियो बना रहे हैं। और तो हो गया नहीं, ज्यादा पानी नहीं दिए गिर जाएगा। छोड़ दे, छोड़ दे, ना नहीं गिरेगा। चलिए भाई, कोई बुजुर्ग आदमी आइए पहले। उनका अर्जुन जी अर्जुन भी है भैया, एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ये लीजिए चाय पत्ती। भैया मुझे कनीस की चाय पत्ती चाहिए। क्यों, कनीस चाय पत्ती में ऐसा क्या है जो आपको वो ही चाहिए? कनीस चाय दुनिया की पहली GMP सर्टिफाइड चाय पत्ती है, जो कड़क और खुशबूदार होने के साथ एकदम नेचुरल और प्योर है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट देती है। और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीस चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स होता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और डॉक्टर भी ऑर्थोडॉक्स के सेवन की सलाह देते हैं। कनीस चाय को आसाम के बागानों से चुनकर लाया जाता है और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अरे वाह, तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीस चाय ही लाऊंगा। और ये लीजिए आपकी कनीस चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीस चाय पत्ती लाइए और चाय का असली टेस्ट पाइए। कनीस प्रीमियम टी, दिल की बात जुबां पे। मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।